हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं प्लास्टिक की बोतलों से ऐसा बढ़िया DIY। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये छोटी सी बोतल ले ली है। फ्रेंड, हमारे यहाँ कोई ना कोई फंक्शन होता है तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वगैरह आती रहती हैं और यूज़ करने के बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो अब से आप इन बोतलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखी बोतल को अच्छे से अंदर से वॉश करके सुखा लिया था और इसका रैपर हमने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसके साइड से इसको कट कर लेंगे। नीचे के पार्ट को हमें अलग करना है। तो ये देखिए, इस तरह हम आप इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड, तो ये बोतलें हम अक्सर कर यूज़ करके फेंक देते हैं ना, तो अब आप इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये इतने काम की आती हैं हमारे यूज़ में, डेली यूज़ में हम इनके कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका अलग पार्ट कर दिया है, छोटा वाला ये हिस्सा। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ आप उसी तरह कट करिएगा। तो इससे बहुत ही बढ़िया DIY बनने वाला है जो हमारे किचन में इतना काम आता है कि बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं, हम गृहणियों के लिए तो ये बहुत ही काम का टूल है। तो एक बार से इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, मैं जिस तरह काट रही हूँ आप उस तरह इसको कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह हम इसको कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और इसके कॉर्नर को भी इस तरह गोलाई में कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह। तो इसकी गुलाई करने से क्या होगा कि ये हमारे हाथ में भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह कट कर लिया है। अब मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि आपको इसका यूज़ क्या करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर अक्सर कर आटा निकालते हैं, तो आटा निकालने के लिए हमें कोई ना कोई टूल की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह के टूल की हमें आवश्यकता पड़ती है। और अक्सर कर घरों में ये टूल होते नहीं हैं, तो मैं आपको इसका एक यूज़ बताने वाली हूँ। तो आप इस तरह अपना आटा इस तरह निकाल सकते हैं, चाहे तो कोई भी दाल वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टूल हमारा काम करता है। आप चाहे गार्डनिंग भी करते हैं तो ये टूल उसमें भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये आपको आइडिया कैसा लगा। तो हैक नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये इस तरह की बोतल ले ली है, हम इसको इस तरह ऊपर से कट कर लेंगे। तो ये बोतलें हम जो बेकार समझकर फेंक देते हैं वो हमारे बहुत ही काम आती हैं। तो एक बार मैं आपको इसका एक दूसरा हैक बता रही हूँ, ये बहुत ही काम का है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हमने इसको इस तरह कट कर लिया है। अब इसकी हम किनारियों को एक सा इक्वल साइज में कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसको हमें यहाँ पर इस तरह कट करना है। जैसे मैं आपको कट करना बता रही हूँ उसी तरह आप इसको कट करिएगा, तो ये बहुत ही यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। तो मैंने देखिए इस तरह इसकी पट्टी को कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह। अब आपको देखिए इसको भी इस तरह इसमें थोड़ा सा कट लगाना है। तो मेरा फ्रेंड, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह हमने दोनों बोतलों के पार्ट को कट कर लिया है। और आप इसको इस तरह ढक्कन भी इसकी तरह इसको क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसका यूज़ क्या करना है। तो जैसे भी आपके ये कोई कप वगैरह होते हैं वो आपको रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप इस तरह इनको बंद कर सकते हैं और इसमें अपने कप को ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बड़ी बोतल का भी इस तरह बना सकते हैं। इससे क्या होगा, ना तो हमारे बोतल में कोई गंदगी आएगी, ना आराम से ये एक साइड से रखे भी रहते हैं। किचन में आप इसको एक साइड से आराम से इस तरह रख सकते हैं। तो ये बोतल का आप किसी भी बड़ी बोतल का भी बना सकते हैं, उसमें 4 से 5 कप आसानी से आ जाते हैं। तो चलिए हैक नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरी बोतल ली है, देखिए इस तरह की। तो ध्यान रखिए, बोतल अच्छे से वॉश की हुई हो और बिल्कुल सूखी हुई हो। तो इस तरह हमें इसे बीच में से कट करना है। ये देखिए, इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह इसमें कट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हमको इसका यूज़ क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर के कॉर्नर को भी हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए, बिल्कुल ये इस तरह कट हो जाएगी बोतल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम कहीं सफ़र वगैरह में जाते हैं तो हम अपना टूथपेस्ट वगैरह लेकर जाते हैं, तो इस तरह आप अपने बोतल में इसको ऑर्गेनाइज करके अपने बैग में आसानी से रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको इस तरह बाथरूम में भी रख सकते हैं। ये इस तरह सारे टूथब्रश पेस्ट इसमें पैक हो जाते हैं, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी इसके अंदर नहीं जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। चलिए हैक नंबर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको बोतल को इस तरह दोनों साइड से हमें इस तरह कट करना है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिजी मॉम लर्निंग सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा हैक ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए, इस तरह हम बोतल को कट कर लेंगे।
तो मैंने दोनों साइड से इस तरह कट कर लिया है। आप इसमें अपने बच्चों के पेन पेंसिल वगैरह होल्डर के रूप में इसको रख सकते हैं, चाहे तो आपके पेंसिल कलर बच्चों के होते हैं, स्केच पेन वगैरह भी होते हैं, तो आप इसमें उस तरह आसानी से इनको रख सकते हैं और इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा पसंद आया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।